सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग है हम लोगों का, मैं अपना पीसी इनबिल्ट करवाने जा रहा हूँ तो उसके ऊपर है ब्लॉग मेरा। तो अभी हम लोग बरेली जा रहे हैं। वैसे हम लोगों का डिसीजन था कि हम लोग दिल्ली जाएं, दिल्ली बट दिल्ली नेहरू प्लेस पे उन पर कुछ ज्यादा अच्छा मिल जाता हम लोगों के लिए मटेरियल और कम प्राइस में मिलता। तो लेकिन ओमिक्रॉन वजह से उन पर अब लॉकडाउन लग चुका है, पूरा क्लोज हो चुका है दिल्ली। तो हम लोग अब बरेली आ रहे हैं। बरेली हम लोगों के काफी क्लोज में भी है, लेकिन बट क्या है क्योंकि उसमें जो प्राइस है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं थोड़े। दिल्ली प्राइस थोड़े अच्छे मिल जाते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन जो हमारा बरेली हमारे क्लोज में है उन पर थोड़ा प्राइस का अलग रहता है। तो मैं एक तो गेमिंग और प्लस फोटो एडिटिंग आप लोग जानते हो मैं करता हूँ, तो उसके ऊपर मैं बनवा पूरा अपना पीसी इनबिल्ड कराऊंगा। तो मेरे साथ जा रहे मेरे ब्रो विकास भैया, आप लोग इनका प्लेस हम ड्राइव कर रहे हैं इस वजह से, आप लोग इनका ड्राइव कर रहे हैं, सॉरी इनका नाम हेमंत है, सॉरी। तो विकास ये मेरे बड़े वाले ब्रदर हैं, तो ये मेरे साथ जा रहे हैं और ये मेरा पूरा पीसी प्रिपेयर करवाएंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं, ड्राइव कर रहे हैं भैया। तो जैसे ही पहुंचते हैं आप लोग के लिए पूरा दिखाता हूँ कैसे सेटअप तैयार हो रहा है मेरा। जी। ये तो है बोला सर, जैसे 70-70 रुपए के जो रबड़ के कवर मिलते हैं वो आईफोन देखो पीछे पीछे तू देखो किधर किधर कटिंग का 700 रुपए का है। तो मैंने कहा इसका मतलब तो हमें ये बताना चाह रहे हो कि हम पे आईफोन 13 है तो हम बहुत बड़े बेकार आदमी है। बोला क्या मतलब, मैंने हमने गुनाह कराया ना आईफोन 13 लेके, एंड्रॉइड का लेते तो 35 रुपए का लगता कवर। सर आप बातें कैसी कर रहे हो, आईफोन 13 नहीं भाई मेरे, आज तक मैं अपने एंड्रॉइड में कवर नहीं चढ़वा पाया। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना है। 100 रुपए का मिलता है एंड्रॉइड का, तब आईफोन ले लिया, इस चक्कर में सोच रहा हूँ कवर डलवा दूँ इस पर। तू यार वैसे बताएगा तो मुझे आईफोन की कीमत कम लग रही कवर के सामने। बोला यार तुम बड़े मजाक के हो सर, मैं आपको 150 रुपए में कवर देता हूँ। 150 रुपए ग्लॉस ही दिया जाए जी ब्रेन, बहुत ज्यादा नहीं लिया इसने, 30 रुपए का मिलता है, 30 रुपीस का बेस्ती बेस्ती क्या यार, मतलब उसको देख कितनी जल्दी थी, वो देख ऐसे करा घूम के जाए इसकी गाड़ी में, मतलब उसने ये देख लिया कि भाई बंदा आईफोन लेने आया है तो इसके रखे। अरे आईफोन वाले से नहीं, नॉर्मल दूसरे दुकानदार से बात कर रहा हूँ। नॉर्मल हाँ, आईफोन वाले से तो चलो मैं मान सकता हूँ कि चलो वो गलत नहीं मांग रहा, चलो हो गया, आईफोन के वो स्टोर पे खड़े हैं तो हो सकता है वो बोल रहा है ऐसे कि इतने का है, या हो सकता है अथेंटिसिटी हो, कुछ प्रीमियम लोग प्रीमियम केसेस हो, लेकिन वो मांग रहा जो राजेंद्र नगर में दुकान खोले बैठे हैं छपरी वो मांग रहा। मैं लगा कि आई क्रस्ट पर तो खुश खुल के बोल दिया, बोला सर आप हमारे यहाँ से ना ही लो तो बेहतर है, तो रेंज थोड़ी हमारे यहाँ ज्यादा है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल तो अभी कहाँ पर चलना है, मैंने अभी आपको पापा की वजह से कहाँ पर चलना पड़ेगा, सिविल लाइन चलना है। हाँ पहले सिविल लाइन आना है, उसके बाद पापा का कुछ काम है, वो मतलब कुछ है उनकी कुछ लिस्ट तो, वो बटलर से हो रहा है जा रहे हैं। हाँ तो वो कुछ लेके आनी है, पहले सिविल लाइन चलते हैं, पहले पापा का जो वर्क है वो कंप्लीट करना है, फिर तो मेरे को बाद में अपना। और अभी भैया हम लोग के लिए पार्टी देंगे, पूछो ना क्यों पूछ क्यों कैसी इसकी, अरे आईफोन 13 लिया भाई ने यार, उनके फोन से रिकॉर्ड हो रही है। और सबसे बेकार बात एक साइड न्यूज ये है आप लोगों के लिए, मेरा जो आईफोन था वो कहीं गिर गया है, जिस वजह से बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है मुझे ब्लॉग रिकॉर्ड करने में,
और इसलिए मैंने अभी डिसीजन ले लिया। वैसे तो मैं DSLR लेके आया अपना, लेकिन DSLR से मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा। जो वो फीचर्स आईफोन में है रिकॉर्डिंग के, स्टेबिलिटी के, वो DSLR कभी नहीं दे पाएगा। और जो मेरे पास DSLR है, आप लोग जानते हो अच्छे से कि निकॉन D3500 है जो इतना अच्छा स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा, और ना उसमें कोई 4K 2K का कोई फीचर है। जो इसमें 4K और प्लस 60 FPS फीचर दिया है और सिनेमैटिक, वो तो बहुत ही प्यारा है। इसके और इसके DSLR के फीचर मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, वो आप लोग देख लेना क्या क्या न्यू फीचर है आईफोन 13 में और इसमें। बाकी अभी हम लोग चलते हैं बरेली, भाई तो फुल फॉर्म में चल रहा है, क्या बात है। 80-90 ले भैया वो तो इसके बेचारे कितना दर्द होता होगा हाथों में। हम लोग अभी बटलर में आ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं शॉप पर। सो फ्रेंड्स, एक पास वाली शॉप है, एक क्लोज है, यही वाली शॉप थी। वो बराबर वाली जो शॉप है वो इनकी रिपेयरिंग की शॉप है। बट अभी हम लोगों ने जब पूछा इनसे तो बता रहे हैं कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से शॉप आज बंद है। वो मैं आगे बता देंगे भाई क्यों बंद है। बस यही प्रॉब्लम थी जिस वजह से हमें PC नहीं मिल पाया। अभी निकले हैं यहाँ से बटलर से। ये हमारा जो छोटा भाई है, इसकी बड़ी जिद थी कि इसको आज PC लेना है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिसकी शॉप से हम PC लेने जा रहे थे उसका आज इंतकाल हो गया है। और ये दुखद सूचना मिलते ही हमने अपनी गाड़ी मोड़ ली है घर की तरफ, और अब हम जब सारे क्रियाक्रम कार्यक्रम हो जाएंगे उसके और दुकान जब दोबारा से खुलेगी तभी हम आएंगे। तो आप लोगों के पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो ऐसे ही देखते रहें और अपना मनोरंजन करते रहें। सो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर पे। अभी हम यहाँ से बाय बाय।